खुशी कहने को तो यह छोटा सा शब्द है, पर हर इंसान इसको ढूंढ रहा है। प्यारे बच्चों, आज आपके रिजल्ट का दिन है। जैसे जैसे यह घड़ी नज़दीक आ रही है, शरीर में एक अलग ही उथल पुथल चल रही है। ये सर्वर स्लो है भाई। अरे भैया, सर्वर स्लो नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रहे हो। प्यारे बच्चों, याद रखें, जब आप वर्ष भर किए गए मेहनत और परिश्रमों के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जान ले कि आप पहले ही कुछ उल्लेखनीय परिणाम हासिल कर लिए हैं। याद रखें, हमने, आपके मित्रों ने, आपके परिवार ने, आपके समाज ने बहुत सारे खास पल आपके साथ बिताए हैं। परिणाम जो भी हो, हम सब आपका खुलकर स्वागत करेंगे, आपका समर्थन करेंगे। हर कोई खुश रहना चाहता है, खुश रहने के नए नए तरीके भी ढूंढता रहता है, पर खुश रहने का तरीका नहीं जानता है। क्यों? इंसान को भगवान ने बनाया है, और इस तरीके से बनाया है कि हर एक इंसान की अपनी अलग डेफिनेशन है। कोई इंसान ऐसा है जो सीधी साधी ज़िंदगी में खुश है, तो कोई बहुत ज़्यादा धन दौलत जमा करके खुश है, कोई ऐसा है जो इंसान या जानवर की मदद करके खुश है, तो कोई ऐसा है जो दूसरे को तकलीफ देकर खुश है। खुशी का कोई एक मायना नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लाइफ में अलग अलग स्टेजेज आते हैं। घर, स्कूल, कॉलेज, जॉब, करियर, प्रोफेशन, शादी, बच्चे और दादा बनने तक की जर्नी में, उम्र के अलग अलग पड़ाव में खुशी के मायने बदलते रहते हैं। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढेंगे तो खुशी आसानी से मिल जाएगी। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप अपने आसपास के लोगों को खुश देखना चाहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप खुद को खुश रखें। आप क्या हैं वो अच्छी तरह आप जानते हैं। रिजल्ट बस उस दिन का परिणाम बताएगा कि आपने उस दिन क्या परफॉर्मेंस किया था। आपके रिजल्ट के लिए अनंत शुभकामनाएं प्यारे बच्चों। हम आपको अनंत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, अनंत ऊंचाई पर आप जाएं। और सबसे लास्ट बात कि दूसरों में खुशी खोजने के बजाय आप खुद कारण बनिए दूसरों के खुशी का। तो जिंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। खुश रहिए। धन्यवाद।